मूविंग पुली की प्रॉब्लम कैसी है अभी तक, क्या हो रहा है, पुली अपनी जगह पे ना फिक्स है, बस घूम रही है, अगर मूव तो कर रही है नहीं, वो घूम रही है, इसमें घूमेगी भी और साथ में नीचे और ऊपर भी होगी। तो जब ये स्ट्रिंग लूज करोगे तो पुली मास के साथ साथ नीचे होती जाएगी और ऊपर भी उठ सकती है। ये मूविंग पुली की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ दो मिनट की है, प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट तो एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट बताऊंगा तो दो मिनट भी ज़्यादा, 10 सेकंड में सॉल्व है, पर अगर मैं वो शॉर्टकट सीधा बताऊंगा तो आप मुझे पूछेंगे कि कैसे, तो वो कैसे ना पूछें, इसलिए पहले बता रहा हूं कि ये हुआ क्या एक्चुअल में जो मैं करने जा रहा हूं, शॉर्टकट बाद में बनाएंगे। तो एक्चुअल मेथड ये है कि मान लो आपके पास ये पुली है और यहां पर मास M3 है, ये दो मासेज हैं, मैंने क्या किया इसको रिलीज कर दिया, उसको रिलीज किया तो ये ब्लॉक राइट जाएगा 1 मीटर मान लो, और ये ब्लॉक लेफ्ट आएगा बाय 3 मीटर मान लो, 1 मीटर एंड 3 मीटर। तो यहां से स्ट्रिंग लूज हो जाएगी 3 मीटर और यहां से स्ट्रिंग लूज हो जाएगी 1 मीटर, तो टोटल स्ट्रिंग कितनी लूज हुई, 4 मीटर, 4 मीटर रिलीज हो गई। तो ये पुली कितने मीटर नीचे जाएगी, 4 मीटर नहीं, 4 मीटर नहीं, क्यों, क्योंकि अगर रस्सी सीधी होती तो सीधी 4 मीटर रिलीज, पूरा 4 मीटर नीचे जाती। अब रस्सी मुड़ी हुई है, आधी इधर आधी इधर, देख रहे हो, अगर रस्सी है तो आधी इधर है आधी इधर भी है, तो इसलिए ये पुली 4 मीटर नीचे नहीं जाएगी, आधी इधर है आधी इधर है, तो 3 + 1 टोटल स्ट्रिंग कितनी रिलीज हुई, 4/2, इसलिए क्योंकि आधी इधर, तो कितने है, 2 मीटर डाउन जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझें, कोई भी स्ट्रिंग है जैसे मान लें कोई भी स्ट्रिंग है, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि रिलीज करते हो 4 मीटर, तो ये पूरी 4 मीटर नीचे जाएगी, आपके सामने है, मैं ऊपर से रिलीज करता हूं कि 4 मीटर बिल्कुल नीचे चली जाएगी, पर अगर मैं कहता हूं कि ये 4 मीटर नीचे गई पर मैंने इसको 2-fold ऐसे कर दिया, तो 4 मीटर जानी थी, अब कितनी मीटर जाएगी, 2 मीटर, क्योंकि ये आधी आधी होगी, हाफ हाफ, तो इधर से भी और इधर से दोनों तरफ रिलीज हो रही है, तो इसलिए ये शॉर्टकट याद रहेगा। तो इसलिए जितनी भी टोटल स्ट्रिंग रिलीज होगी, यहाँ से रिलीज हुई 3 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, तो यहाँ एवरेज हो जाएगा 2 मीटर। उसी तरीके से वेलोसिटीज का रिजल्ट भी सेम है, तो अगर ये V1 के साथ मूव करता है, अगर ये V2 के साथ मूव करता है, तो ये सिस्टम कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, V1 + V2 / 2 आंसर, डिवाइड कर देना। उसी तरीके से अगर ये A1 के साथ आता है, ये A2 एक्सलेशन है, तो नीचे जाने की एक्सलेशन क्या है, A1 + A2 / 2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अब सपोज आपके पास ये स्पेशल केस है, यहां की एक्सलेशन क्या है, ए, यहां की एक्सलेशन क्या है ही नहीं, मैंने सिस्टम लिया ही नहीं, यहां पे मास ही नहीं लिया, बांध दिया, तो यहां पर एक्सलेशन क्या है, 0, यहां से स्ट्रिंग रिलीज हो ही नहीं सकती, जो होगी यहां से होगी ए, तो ये कितना नीचे जाएगा, क्या बताया था, A + 0 / 2, A/2, कोई डाउट इसमें, मैंने बता, एवरेज आएगा ना, आधी इधर है ना, हाफ हाफ, हाँ ये आधी इधर है ना, बराबर सिमेट्री में है ना, ये स्ट्रिंग अगर 4 मीटर नीचे जा रही है, तो अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये 2 ही नीचे गई ना। अब तुम कहोगे मैंने यहां से ज्यादा रिलीज की, जितनी मर्जी की हो, टोटल रिलीज बोल लो कितनी हुई, 4 मीटर, 4 का आधा, पुलिस को लपेट देगी ऐसे, आधी होगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, पुली के हर केस में ऐसे होगा। ये तो आपको सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना तो करना भी नहीं है, बताता हूँ क्या करना है। तो ये क्लियर है यहाँ तक, मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम पे लगाते हैं और सीधा शॉर्टकट करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छा ठीक है। तो इसमें सपोज करो एक इंक्लाइन प्लेन है, ये पुली फिक्स्ड है, पर ये पुली हवा में मूव कर सकती है ऊपर नीचे, तो अगर ये ब्लॉक है 10 kg का और ये 30 डिग्री है, तो नीचे की फोर्स क्या है, 10g sin 30, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर mg cos theta, mg sin theta, और टेंशन, ये एक रस्सी है, ध्यान से, ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, तो TNT, 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 पर ये स्ट्रिंग डिफरेंट है, और हमने लास्ट टाइम रिजल्ट किया था कि पुली के इस हिस्से पे टेंशन क्या होती है, डबल होती है, टूटी, याद है, ये याद है, हमने इसको ऐसे किया था जब पुली का पहली प्रॉब्लम मैंने बताई थी, ऐसी है ना, पुली की ऐसी प्रॉब्लम थी, तो मैंने आपको करवाया था कि अगर यहाँ पर टेंशन TNT है, यहाँ पर टेंशन TNT है, तो यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी, 2T हो जाएगी, याद है, डायग्राम उल्टा है,
तो इसमें उल्टा डायग्राम बना दिया, फर्क कोई नहीं पड़ता, टी एन टी है तो यहां पे टेंशन टूटी टूटी है, कोई डाउट क्लियर है था? तो यहां पर इसका वेट कितना है, 20 जी है, ठीक। तो एक बात बताओ, अगर ये ए एक्सलेशन से ब्लॉक ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यहां की एक्सलेशन क्या है, जीरो, यहां पर तो स्ट्रिंग मूव ही नहीं करेगा, तो फिर ये सिस्टम कितनी एक्सलेशन नीचे आएगा, ए प्लस जीरो बाई टू यानी कि ए बाई टू, कोई डाउट इसमें? जो रिजल्ट अभी हमने किया वो लगाया हमने कि अगर इसकी एक्सलेशन ए है, इसकी एक्सलेशन ए है, इसकी जीरो है, तो इसकी कितनी है, ए प्लस जीरो बाई टू, सेम है ना, ये देखो ए है जीरो है ए बाई टू, ए है जीरो है ए बाई टू। अब जो मैंने आपको ऊपर करवाया, आप सोच रहे हो कि मैं वो लगाता हूँ रिजल्ट, नहीं मैं नहीं लगाता वो रिजल्ट, अब समझाने के लिए बताया। आप मेरे को जो प्रॉब्लम दोगे ना, मैंने ऐसे शॉर्टकट किया हुआ याद कि जिस हिस्से में टेंशन डबल होती है वहां एक्सलेशन हाफ होती है, जैसे यहां टेंशन टी है एक्सलेशन ए है, इस पोर्शन में टेंशन डबल हो गई इससे, तो एक्सलेशन इससे क्या हो जाएगी, हाफ। लगा लो ए प्लस जीरो बाई टू, एक ही बात है, तुम वैसे लगाना चाहते हो वैसे लगा लो, पर मैंने ऐसे याद किया हुआ है मूविंग पुली के केस में, जो पुली मूव करती है वहां टेंशन हमेशा डबल होती है, टूटी होती है, तो वहां इस ब्लॉक के मुकाबले एक्सलेशन हमेशा हाफ ही होगी। तो ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है, प्रूफ मैंने और तरीके से कराया पर मैंने शॉर्टकट ज्यादा बेटर फील करता हूं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, 20g माइनस 2t इज इक्वल टू 20 इंटू ए बाई टू, ए बाई टू, और इसकी क्वेश्चन t माइनस 10g साइन 30 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, ये रहा। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके t एंड a कैन बी कैलकुलेटेड, क्लियर है यहां तक? चलो एक बार फिर करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सपोज करो आपके पास एक पुली है जो मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल, ये ब्लॉक है और ये एक और ब्लॉक है, आप बस मुझे एक चीज का आंसर दें कि जब मैं इस को यहां पुश करूंगा खींचूंगा तो ये भी मूवेबल, ये भी मूवेबल है, तो ये तो फिक्स है, तो ये वाला ब्लॉक कहां मूव करेगा, राइट? अब इसे खींच रहे हो, स्ट्रिंग यहां से लीज तो हो नहीं सकती, लूज नहीं होगी स्ट्रिंग, तो यहीं से लूज होगी, तो ये मास को थोड़ा आगे आना पड़ेगा ताकि ये पुली आगे चल सके, ऐसे रूल बनेगा। तो अगर यहां पर टेंशन टी एन टी है, एक स्ट्रिंग है टी एन टी, तो यहां पर टेंशन क्या होगी, टूटी टूटी, क्लियर हो गया, इस हिस्से में टेंशन डबल होगी इससे, राइट? तो अगर ये मूव कर रहा है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, तो जिस हिस्से में टेंशन डबल है वहां एक्सलेशन क्या हो जाएगी, ए बाई टू। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 100 न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई थी, 100 माइनस 2t इज 20 इंटू ए बाई टू, और इसकी इक्वेशन t इज इक्वल टू 10 इंटू ए, सॉल्व करके आंसर कैन निकाल लो। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे आपने लगाना है, एक बार प्लीज आप लगाएं फिर से। टेंशन इसलिए डबल किया था कि अगर आपको याद हो हमने एक थ्रस्ट ऑन दी पुली का फॉर्मूला याद किया था जब पुली की प्रॉब्लम्स की थी ना, ये देखो ये देखो यहां टेंशन थ्रस्ट ऑन दी पुली टूटी, ये देखो टी टी टूटी, तो डायग्राम उल्टा बन गया तो भी टूटी रहेगा, ठीक है? तो ये इसकी प्रॉब्लम है। ओके नेक्स्ट है, ठीक है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक बार ट्राई करें अपने हाथ से। सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, ठीक, ये ब्लॉक है, ये लो ठीक है, तो इसके अंदर ये इधर मूव करेगा विद ए, ठीक है, और ये नीचे जाएगा विद, आप खुद सोचें क्या होगा, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 10 केजी है, ये 20 केजी है, तो आपको टेंशन और एक्सलेशन निकालनी है, इसमें क्या होगी, स्ट्रिंग में टेंशन एंड एक्सलेशन।
देखो नहीं नहीं देखो, सबसे पहला रूल इसमें क्या करना है आपने, तो पहला रूल है यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी, क्लियर है? यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी और यहां टेंशन टी, एक कंफ्यूजन है काफी लोगों को। टेंशन सेम क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रिंग घूम के एक ही स्ट्रिंग है और ये मास्क टेस्ट है, पुली का मास्क नहीं है, तो एक स्ट्रिंग कितनी मर्जी बार घुमा लो टेंशन सेम रहेगी। और यहां पे जो टेंशन आएगी वो क्या आएगी, टूटी एंड टूटी आएगी, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका वेट कितना है, 20 g, और ये क्या होगा, 10 g sin 30। तो ये ब्लॉक क्योंकि नीचे आ रहा है तो 20 g माइनस 2t इज 20 इंटू ए बाई 2। ए बाई 2 क्यों? क्योंकि अगर इसकी एक्सलेशन a है तो जहां टेंशन डबल है वहां एक्सलेशन हाफ है, a बाई 2। तो 20 g माइनस 2t इज इक्वल टू 20 इंटू ए बाई 2। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, सेकेंड तो बिल्कुल ही क्लियर है। t माइनस 10 g साइन 30 इज 10 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। तो साइन 30 की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लें, इक्वेट भी हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड टी कैन बी कैलकुलेटेड। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा कि मैं दो लेक्चर से ये बोल रहा हूं, जब आप दो इक्वेशन बनाते हैं तो टेंशन एंड टेंशन कैंसिल होती होती है, अगर नहीं हुई आपकी इक्वेशन गलत है, और जबकि यहां कैंसिल नहीं हुई, क्यों? ऐसे धक्के से कैंसिल करने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो ही जाएगी। जो नेचुरल इक्वेशन बनती है वो कैंसिल होनी चाहिए, टी एंड टी, वो क्यों नहीं कैंसिल हुई इसमें? क्योंकि क्योंकि टेंशन तब कैंसिल होती है जब एक ही स्ट्रिंग की इक्वेशन होती है, एक ही रस्सी होती है और दो ब्लॉक्स होते हैं, इसमें स्ट्रिंग ही डिफरेंट है, ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, एक में टेंशन टी एक में टूटी, तो ये अलग इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग है, ये अलग इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग है, तो इसमें कैंसिलेशन जरूरी नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग्स ही तो डिफरेंट है, जहां पर एक में टेंशन टूटी है, एक में टी है। अब मान लो दो स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, एक में टेंशन T1 है, एक में T2 है। अब T1 T2 थोड़ा कैंसिल होगी, तो ऐसी अगर टी और टूटी अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो अलग, ऐसे तो चार स्ट्रिंग्स लगा दूंगा मैं, चारों में टेंशन T1 T2 T3 T4 हो जाएगा, ये थोड़ा भी सारी कैंसिल होंगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो इन्हें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहे, टूटी टूटी हो जाएगा, ऐड करके ए कैन बी कैलकुलेट, ए आ गया तो टी कैन ऑल्सो भी कैलकुलेट, सब इक्वेट भी कर सकते हैं।